हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में। भगवान बुद्ध का जन्म 564 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदना था और वो शाक्य क्लान के हेड थे। उनकी मां का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के तुरंत बाद ही हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो कपिल वस्तु में पले बढ़े। उनकी माँ की मृत्यु के बाद गौतमी नाम की फॉस्टर मदर ने उनका पालन पोषण किया, इसी वजह से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नाम की एक स्त्री के साथ हुआ। सिद्धार्थ और यशोधरा के विवाह के बाद उनका एक पुत्र जिसका नाम राहुल था उसका जन्म हुआ, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में ही उनका मन राजपाट से उजड़ चुका था और उन्होंने फैसला लिया अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर इस सांसारिक जीवन को त्याग कर कहीं दूर चले जाने का। इस फैसले की वजह कुछ ऐसी थी कि एक दिन वो अपने घोड़े कंटका और जो चालक था चन्ना उसके साथ सैर को निकले और उन्होंने 4 ऐसे मंजर देखे जिसके बाद उनका दृष्टिकोण जीवन को लेकर बिल्कुल बदल गया। वो 4 मंजर थे 4 लोगों के। एक उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति के शरीर को देखा और उसके बाद उन्होंने एक साधु को देखा। और ये सब देखकर उनका मन संसार और संसारिक जीवन से बिल्कुल उचट गया और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब वो इस संसारिक जीवन में नहीं फंसेंगे और इससे अलग अपना जीवन एक साधु की तरह व्यतीत करेंगे। सांसारिक जीवन को त्यागने के बाद वो गया पहुंच गए और वहां निरंजन नदी, जिसको हम फाल्गु नदी भी कहते हैं, उसके किनारे बैठकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। अपने ध्यान के 49वें दिन उन्हें एनलाइटमेंट यानी जीवन के प्रकाश की बुद्धि प्राप्त हुई और उसके बाद वो बने बुद्ध यानी भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी सरमन सारनाथ में दिया था और इसे कहा जाता है धर्म चक्रा परिवर्तना। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक को किसी न किसी चिन्ह यानी सिंबल के साथ जोड़ा जाता है। जैसे उनके जन्म को कमल के फूल यानी लोटस से जोड़ा जाता है, उनके घर से निकलने को ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है और उसे घोड़े के चिन्ह से जोड़ा जाता है। उनके एनलाइटमेंट को निर्वाणा कहा जाता है और उसे बोधि ट्री से जोड़ा जाता है। उनके पहले सरमन को यानी उपदेश को धर्म चक्रा परिवर्तना कहा जाता है और इसका सिंबल है व्हील। और उनकी मृत्यु को परिनिर्वाणा कहा जाता है और उसका सिंबल है स्तूपा। उनकी मृत्यु 486 बीसी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी और उनकी इस मृत्यु को महापरिनिर्वाणा का नाम दिया गया। बुद्धिज्म के सिद्धांत की बात की जाए यानी डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, तो ये कहते हैं आर्य सच्चचनी यानी फोर नोबल ट्रूथ के बारे में, अष्टंगिका मार्ग यानी एट फोल्ड पाथ के बारे में, मध्यम पंथा मिडिल पाथ ऑफ लाइफ, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट और अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा के बारे में। जो फोर नोबल ट्रूथ है वो बताते हैं कि लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग, यानी हमारे जिंदगी में बहुत सारे सफरिंग है। उसके बाद देयर इज अ काउज ऑफ आवर सफरिंग, जितनी भी सफरिंग है जितने भी दुख है उसका कोई ना कोई कारण होता है। देयर हैज एन एंड ऑफ सफरिंग, यानी हम अपने सारे दुखों को खत्म कर सकते हैं। द एंड ऑफ सफरिंग इज कंटेन्ड इन एट फोल्ड पाथ। अगर हम एट फोल्ड पाथ जो कि बुद्धिज्म में बताए गए हैं उसको फॉलो करते हैं तो हम अपने सारे दुख और सफरिंग को खत्म कर सकते हैं, ऐसा बुद्धिज्म में माना गया है। बुद्ध के द्वारा दिए गए एट फोल्ड पाथ क्या क्या है उन्हें जानते हैं। ये एट फोल्ड पाथ बताते हैं कि हमें कौन कौन से एक्शन करने चाहिए ताकि हम अपने दुखों से अपने सफरिंग से छुटकारा पा सके। ये एट फोल्ड पाथ है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। यानी ये सब चीजें अगर हम फॉलो करते हैं, सही दिशा में देखते हैं, सही इंटेंशन रखते हैं, सही बात करते हैं, अपने एक्शन को सही दिशा में लेते हैं,
सही तरीके से जिंदगी जीते हैं, अपना एफर्ट सही दिशा में लगाते हैं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और अच्छा सोचते हैं, तो हम अपने जीवन के जितने भी दुख हैं, सफरिंग है, उनको खत्म कर सकते हैं। अब जानते हैं त्रिपिटका के बारे में। ये तीन ऐसी किताबें हैं, ग्रंथ हैं बुद्ध धर्म के, जिनसे हमें बुद्धिस्ट धर्म के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये तीन किताबें, तीन ग्रंथ हैं विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधामा पिटका। विनय पिटका में रूल ऑफ कंडक्ट है, जो कि बुद्धिस्ट संघ के मॉन्क और नन्स, जितने भी नन और मॉन्क्स जो बुद्धिस्ट संघ का हिस्सा है, उनके लिए क्या रूल ऑफ कंडक्ट है कि उन्हें जिंदगी में कैसे रहना चाहिए, हर दिन का दिनचर्या उनका क्या होना चाहिए, ये सब कुछ विनय पिटका में मेंशन है। सूत पिटका में जितना भी संवाद है, जितना भी उपदेश है बुद्ध भगवान का और उनके कुछ प्रमुख डिसाइपल्स का, उनका जिक्र है, उनके बारे में बताया गया है सूत पिटका में। अभिधामा पिटका में बुद्धिस्ट धर्म के जो जितनी भी चीजें हैं, डिटेल्स है, जो डॉक्ट्राइन्स है, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये तीनों ग्रंथ मिलकर त्रिपिटका कहलाते हैं। ये तीनों ग्रंथ सूत पिटका, विनय पिटका और अभिधामा पिटका पाली भाषा में लिखे गए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। सूत पिटका के भी कई उपग्रंथ हैं, जैसे दीर्घ निकाया, मध्यम निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तरा निकाया, खुद्दक निकाया, ये सब कलेक्शन ऑफ सर्मन्स हैं, टीचिंग्स हैं बुद्ध भगवान के। इन सारे किताबों में, इन सारे ग्रंथों में जो भगवान बुद्ध के टीचिंग्स हैं, उनका हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा विनय पिटका के भी बहुत सारे उपग्रंथ हैं, जैसे सूत विभंगा, और उसके भी कुछ अंग हैं जैसे महाविभंगा, भिक्षुनी विभंगा, उसके बाद है खांडका, उसके भी महाभागा और कुल्लभागा और परिवारा। इन सबसे जितना भी जो भी डील्स है, जो भी मॉन्क्स और संघ के लाइफ को लेकर के जितनी भी रूल रेगुलेशन है, वो सब कुछ बहुत डिटेल में पता चलती है। इसके अलावा अभिधामा पिटका में धम्म संगनी, विभांगा, धातु कथा और पुगलपंती, कथावत्तु, यमका, पत्थना, ये सब कुछ जो है वो बुद्धिस्ट धर्म के बारे में बताती है। तो ये बुद्ध धर्म और बुद्ध भगवान के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जैनिज्म के बारे में लेके आऊंगी। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।